गुलबर्गा सुपरमार्केट सिटी बस स्टैंड के आसपास पड़ी गंदगी, गार्बेज, सड़क पर गंदे पानी और कंस्ट्रक्शन मटेरियल से आवाम को हो रही परेशानी को देख लोकायुक्त SP जॉन एंथोनी ने स्पॉट विजिट कर हालात का जायजा लिया है और वार्ड नंबर 24 कॉरपोरेशन जोनल 3 के सैनिटरी इंस्पेक्टर मल्लिकार्जुन को बुलाया गया और सुपरमार्केट में पड़ी गंदगी, प्लास्टिक और दीगर हालात पर गुस्सा जाहिर किया है। शहर के सुपरमार्केट की ऐसी हालात है कि लोग यहां से गुजरते हैं तो गंदी बदबू से परेशान होते हैं। लोगों की शिकायत पर लोकायुक्त SP जॉन एंथोनी ने सैनिटरी इंस्पेक्टर के साथ सुपरमार्केट के कई गलियों का दौरा किया जहां हर जगह गार्बेज पड़ा हुआ था और गार्बेज में ज्यादातर प्लास्टिक पड़ी देख SP जॉन एंथोनी ने कहा, जब प्लास्टिक को बैन किया गया है तो इतनी ज्यादा प्लास्टिक इस्तेमाल कैसे हो रही है? ना तो प्लास्टिक बैन पर कोई एक्शन लिया गया है और ना ही सुपरमार्केट से गार्बेज को उठाया जा रहा है और इसके अलावा कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए सड़कों पर रेत, स्टील और दीगर सामान फेंका हुआ है जिससे सड़कें ब्लॉक हो गई हैं। इन तमाम हालात को देख सैनिटरी इंस्पेक्टर पर नाराजगी जाहिर करते हुए लोकायुक्त SP जॉन एंथोनी ने कहा, जल्द सुपरमार्केट से गंदगी साफ होनी चाहिए और प्लास्टिक बैन पर भी कार्रवाई की जाए। सैनिटरी इंस्पेक्टर ने जल्द इन तमाम इश्यूज पर एक्शन लेने का भरोसा दिलाया है।